पहली भाग भाई मैं गाना शुरू करें गायक में तो और अपने सुख दुख और अपने 43 वर्ष के अनुभव को इन युवा पीढ़ी को शेयर करें ताकि जो अभी नवनिर्मित शादी हुए हैं जिनका शादी हो चुका है और होने वाला है उनको ये एक्सप्रेशन रहे कि हमारे बड़े पापा बड़ी मम्मी ने 43 साल जिया। आदमी तो यहाँ 2 घंटे में बोर हो जाता है, मोबाइल अरे यार नया लेना है तो
शायद अभी वो मैं बड़े पापा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने परिवार में इसने दो शब्द अपना आशीष वचन भगवान सबको आशीर्वाद दिए आप जो अपनी जिंदगी में खुशहाली बना रहे चलो घर परिवार सुख शांति से रहा है काम में आते हैं गणेश साहब ने आज इधर मेरी जो बड़े भैया ना जब भी फोटो या वीडियो बनाते हो ना ऐसे लिया करो उससे इंटरेस्ट होता है। अबे राम राम बोल आगे राम वाले को चाची लोग तो है ना दोनों चाची नाम कहाँ बन रहा है भाई तेरे वीडियो चेहरे में रिकॉर्ड भी हो रहा है चलना लेना एकदम लंबा चलनी पड़ेगा एमए बड़े पापा हाँ हाँ बेटा एक के तीन लेना हो गया तरालीस बार को बात तक पड़े पापा याद रहना चाहिए 40 41 42 43 एक साथ एकदम
ऐसा बना रहा है, इसको ऐसे रखना, ऐसा करना, और ऐसे आदमी को तो इसको तो दिखाओ, सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, अभी और बच्चे अरे वो उस पार्ट को सीधा करो, मैं डायरेक्ट साइड पे जाएंगे। और कौन बच गया? और ना जीते जी तो आ रहा जीते क्या पता है किस ले ग्रहण करो। सुनो ना बहुत लेट हो जाएगा, चलो नहीं नहीं नॉर्मल में बना वीडियो यहां बना ओ मोहन हेलो कर दे सबको थोड़ा थोड़ा फूल बांट दे, आरती करने के बजाय दूर से कर ले, टाइम लग गई नहीं तो आशीर्वाद। पहली फूल फूल वापस ले जाना, एक आदमी अब हम एक दिन पूछे पापा ला आपके शादी डेट ऑफ बर्थ कब तारीख कहा अक्ति भवन 74 में अक्ति भवन रीस हमारे गूगल बाबा पूछ लेना हमारे गूगल बाबा बता रही है 25 तारीख पड़ेगी। अब कोई कारण नहीं बना पाए, गुरुवार दिन गुरुवार 25 तारीख को अक्ति भवन हो रही है 74 तो वही हिसाब से अब कहें कि चलो मनाना है कि कुछ कारण वहां सेती होती हो गया, संजोग ऐसे बनी कि सब इकट्ठा हो गए तो चलो गोल्डन जुबली हो जी पापा 50 साल। अब 49 हुए तो 50 के प्रवेश तो बहुत बहुत शुभकामनाएं है। और जितने आए हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक पापा जी से और माता हमारी माता जी हैं उनका हम स्वागत करें और आगे इनका इसी तरह से स्नेह और प्यार मिलता रहे ऐसी अपेक्षाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और मेरे बाजू में मेरे चाचा जी बैठे हैं जो कि हंसराज जी के चारों तरफ साथियों जीवन जीने के लिए परिवार और दोस्त बहुत जरूरी है। ये दो चीज अगर आदमी को मजबूत मिला है ना तो सब एक निश्चित पार कर। तो मैं इसी के साथ अपने चाचा जी के सौराम साहू जी से कहता हूँ कि वो दो शब्द अपने बड़े भाई के बड़े भैया के भार के रूप में दो शब्द कहें
भार के रूप में, और मैं कुछ नहीं कहना चाहू, सब कुछ रहते हैं गोल्ड ले। एक बहुत सुंदर सा गाना है, एक बहुत सुंदर सा गाना है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, जिसको भी आता हो अब साथ में गाना, जोरो जोरो नहीं करना, लगा पता नहीं डरगी मां चाहिए भाई। महाराज जी के कार्यक्रम और क्या बोले इसकी मन के शादी के सालगिरह चला जाए, बहुत लंबा समय हो गए आए के मतलब मन रीच है, और आज सब लेकिन मन भी मतलब पहले कुछ प्लानिंग कर दे रही थी, लेकिन आज यहाँ आकर के पूरा परिवार ये खुशी मनाया है, इकली में तहे दिल से जीवन सुखमय रहा, आनंद कुशल से बीते, और परिवार में इसने प्रेम भाईचारा हरदम बने रहे, मतलब प्रेम व्यवहार और एक दूसरा मान सम्मान अंदर नहीं करता, और इसने जीवन Thank you.
उसको ऐसे वो दबाएं उसको उसके बाद नहीं नहीं ठीक है ठीक है अरे नहीं नहीं अरे भैया चल रहा है अभी भी घूम जाएगा सिर्फ खाना बस पहले करते हैं वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं बहुत बहुत साधुवाद है और अपने आप में लोग बधाई के पात्र हैं और इसी श्रृंखला में एक तीसरी जोड़ी है हमारे दीपक भैया जी और हमारी बहन सुनीता इनका भी आज मुझे मालूम नहीं है कितना एनिवर्सरी है 19वां कंप्लीट होकर 20वां में प्रवेश किया है उनके लिए वो भी साधु बात है बधाई के पात्र हैं तो अब उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आए और मंच पर आसीन हो यहीं से मारना प्रेशर लगता है उसमें नहीं ऊपर से मालूम है ना चल गा दीदी को है मेरे पास इसको अच्छा सुना नाम लिखवा लेना हाँ जहाँ से आरती क्या हुआ पुष्पेन
तेरी मम्मी ने बोला, तेरी मम्मी को बोला। हाँ रुकना लाल सुनना पुष्पेन रेडी देखना भाग कैसे आएगा ना वो मैं बोला ना भाग कैसे आएगा वो बाज गया मुंह में बर्थडे का तब धन्यवाद छोटू आ गया एक साथ कर लेते हैं जल्दी हो जाएंगे दे दे चाचा चलो इधर भी घुमा बस हो गया तो पापा डोंगरगढ़ में हम करेंगे वो लोग और अच्छा से चार थोड़े दिन सब कुछ हाँ और देना फाइल मैं सोचा राजू दत्त साहब ने आप लोग साथ आएंगे अरे इनका इनको एक टीका लगाना रहता था अरे यार पूरा एकदम टीका ही टीका चल चले फोटोग्राफर हायर हुए भैया नहीं
ऐसे निकालिए लगता है चोरी चोरी करके निकाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो एक गाना फिर उसके
ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना तो गए नहीं तो बाद में चप्पल मारी चल रिप्लू जी आपने मोर पीछू गाऊ आए तो तुम पहली रात को मत भाग।